ये हमें मतलब कीड़ा मकोड़ा समझते हैं हम लोगों को। सफोकेशन होने लगी, हवा तक भी नहीं आ रही है इसकी वजह से। विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम भी कुछ देश को योगदान करें। झुग्गियों को सरकार ने कवर कर दिया इस वजह से ताकि वो अपनी नाकामी छुपा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार पर आरोप लगाया कि वो G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर और झुग्गियों को ठक रही है या ध्वस्त कर रही है, आवारा जानवरों को बंद कर रही। उन्होंने कहा कि हमारे मेहमानों से भारत की हकीकत को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें झुग्गियों को हरी चादरों से ढका हुआ दिखाया गया है। दो दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता भाग ले रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि भारत सरकार हमारे लोगों और जानवरों को छिपा रही है, मेहमानों से भारत की हकीकत को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में विदेश दौरे पर हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि G20 का उद्देश्य विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की एक उत्पादक सभा होना है जिसका मकसद वैश्विक समस्याओं से सहयोगात्मक तरीके से निपटना है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही इससे दूर लेकिन प्रिंस प्रोटेम अकिन झुग्गियों का या तो ढककर रख रहे हैं या उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए आवारा पशुओं को बेरहमी से पकड़ा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। विपक्षी दल ने झुग्गियों को ढकने के वीडियो के अलावा G20 शिखर सम्मेलन से पहले आवारा कुत्तों को जानवरों के प्रति क्रूरता के वीडियो को भी साझा किया है। कांग्रेस द्वारा साझा किए गए वीडियो में एक झुग्गी निवासी ने कहा कि सरकार हमें कीड़े मानती है, क्या हम इंसान नहीं है? है ना, थोड़ा सा मान के लिए जाएंगे, इतनी बुरी तरह से बदतमीजी से बोलेंगे? भाई हम तो रोड पे ही रहते हैं तो गाड़ी घोड़ी है जो हमारी रोड पे खड़ी रहेगी, कुछ सामान लाना एक मिनट खड़ा, वो ट्रैफिक पुलिस वाला इतनी बदतमीजी से बोलेगा? हम इंसान नहीं है क्या? जॉब करते हैं अभी, छोटी बड़ी है हमारी जॉब, ठीक है जी। जहाँ कच्चे मकान है वहाँ पक्के बनने चाहिए। आपके देश में अगर ऐसा हो रहा तो आपके विदेश को अपना ठीक करना चाहिए हमें तो आपने क्यों पर्दा टांगा? बाद में अभी ये कवर हो गया, बाद में झुग्गी गिर देंगे, हम कहाँ जाएंगे? थोड़ी सी सफोकेशन होने लगी, हवा तक भी नहीं आ रही है इसकी वजह से, तभी ज्यादा घुटन होती है। पार्टी ने एक्स पर कहा कि G20 से पहले मोदी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए उनके घरों को पर्दे से ढक दिया क्योंकि राजा गरीबों से नफरत करता है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के दौरान मोदी सरकार द्वारा सड़क पर बेगुनाह कुत्तों के साथ की गई क्रूरता को देखने के लिए वीडियो देखें। उन्होंने कहा कि कुत्तों को उनकी गर्दन से घसीटा जा रहा है, डंडों से पीटा जा रहा है, पिंजरों में डाला जा रहा है, उन्हें भोजन पानी से वंचित किया जा रहा है और अत्यधिक तनाव और भय के अधीन किया जा रहा है। विपक्षी दल ने कहा यह जरूरी कि हम उस तरह के भयावह कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन बेजुबान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करें। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के कांग्रेस पहले से आक्रामक होकर के सरकार को घेर रही है। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस के पास अच्छा मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करके एक बार फिर से सनसनी मचा दी है। वहीं बीजेपी की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मामले पर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया तो फिर इस पर सियासी घमासान मचना तो लाजमी है। और जाहिर सी बात है कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका हाथ लग गया है। जहां कांग्रेस की तरफ से इस बात पर अब कवायद की जा रही है और एक बार फिर से नई सियासी जंग शुरू हो सकती है। वीडियो डेज अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।